ज्ञान गंगा में नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा में और जहां तक बताया हो सत्संगति है काशी नगरी, ये सत्संग क्या है, ये काशी है, ये पुरी है, ये प्रयाग है, सतसंगति है काशी नगरी, मन के मैल धोए ले ओ सगरी, मन के मैल धोए ले ओ सगरी, चली गोता लगाए ले ओ प्यारे मना, चलो गोता लगाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान डुबकी लगाओ और ऐसे लगाओ कि डूब जाओ। जो वास्तव में इस गंगा में डुबकी लगा लेते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है। दुष्ट जनों का छोड़ो रे संगा, सतसंगति भव तारण गंगा, सतसंगति भव तारण गंगा, मैल मन के धोलाए ले प्यारे मना, मैल मन के धोलाए ले, ज्ञान गंगा में नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा में। बाबा तुलसी ने रामायण में तो सुन समझाई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग, लहै चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। मंजन फल पे किए तत्काला,
अरे मन मेल मन के धोलाए ले ओ प्यारे मना, मेल मन के धोलाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा में मात पिता भ्राता सुत पिता भ्राता सुत धारा, झूठा नाता जगत पसारा, झूठा नाता जगत पसारा, पाप सारे धोलाए ले ये शरीर कितना प्यारा लगता है और लगना भी चाहिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधना के तल पर अगर देखा जाए तो शरीर बहुत अच्छा है और इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन अगर भोगों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सज्जनों कहते हैं कि जो भोगी होता है वो रोगी होता है। दुनिया में ऐसा कोई सुख भोग नहीं है कि जिसके पीछे रोग नहीं हो, इसलिए हम भोगी न बने, हम योगी बने। और योगी ऐसे नहीं, आप ये मत समझ लेना कि महात्मा जी योगी बन भी कह रहे हैं कि हम रामदेव जैसे योगी बने, कि हम ये संत बन गए तैसे ही बने। योगी का मतलब होता है जो संयम के साथ अपना जीवन जीता है, हम बताएंगे अभी। भाड़ मास की बनी है काया, मूर्ख मन क्यों देख लुहाया, दे आसक्ति उठाए ले प्यारे मना, दे आसक्ति उठाए ले ओ ज्ञान गंगा में, गुरु चरणन में ध्यान लगाए ले ओ, गुरु चरणन में ध्यान लगाए ले ओ, जीवन अपनो सफल बनाए ले ओ, जीवन अपनो सफल बनाए ले ओ, पाप सारे धोलाए ले प्यारे मना, पाप सारे धोलाए ले, आज बिगड़ी बनाए ले प्यारे मना, आज बिगड़ी बनाए ले, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में नहाए ले, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा में, ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान। कितनी बढ़िया ये ज्ञान की गंगा बह रही है। इस ज्ञान की गंगा में जो भाई बहन ठीक स्नान कर लें तो ये सत्संग
ये सत्संग को ये ज्ञान की गंगा में स्नान करने से हमारा मन इतना निर्मल हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है जैसे कोई शीशा। आपने देखा शीशा, सभी देखते हैं शीशा, तो शीशा हमारी चेहरा की वास्तविकता को बता देता है। आंखों में कीचड़ है कि तुम्हारी तिलक बेंदी बिगड़ गई है या हमारा कहीं मेकअप बिगड़ रहा है, शीशा बता देता है। हमारे दांत गंदे हैं और शीशा इतना ईमानदार होता है कि जैसे का तैसा बता देता है। और तुम फोड़ दो शीशा है कि ले रहे तुम हमारी कमी बता रहे हो। हम कहते हैं बता तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगो, वो जे कहेगा अरे भैया चाहे भले ही चाहे चाटू कदे पर तू हो तो सब बताऊंगो। कितना बढ़िया ईमानदार है शीशा दर्पण। इसी तरीका से सत्संग दर्पण ये भी ईमानदार है। आप चाहे भले ही रूठ करके खड़े होकर के चले जाना, लेकिन ये सत्संग है, ये दर्पण है, ये तुमको तुम्हारी भीतर की वास्तविकता को बताएगा कि वास्तव में हम कैसे हैं, भीतर से हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं। इसलिए दर्पण काय के लिए होता है, अपने आप को देखने के लिए, और जहां कहीं हमारे चेहरा पर किसी प्रकार की कोई कमी है उसको सुधार करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं गया अब हम दर्पण देखेंगे ही नहीं, जितब देख बता दो तब ही हमारे दांतन ने गंदो बता दो, अब हम ना देखना जी, ये बहुत बेकार है। ऐसे तुम कहेंगे चले जाइए जा सत्संग में, हमन ना आवाना जी, तो महात्मा बहुत बेकार है। पर नहीं, जब जब तुम आओगे तब तब वो जब जब तुम शीशा में देखोगे तो तुम्हारे अगर दांत गंदे हैं तो वो गंदे ही बताएगा। जब जब तुम आओगे रूठ करके चले जाओ और फिर तुम कितना भी प्रलोभन दो, सत्संग तुम्हारे प्रलोभन को नहीं स्वीकार करेगा, सत्संग जैसे का तैसा कहेगा। तो ये दर्पण है, सत्संग दर्पण है, अपने भीतर के दोषों को ये बताता है। और सज्जनों, जिन भाई बहनों पर अपने भीतर देखने की कला आ जाती है तो समझ लो फिर उसको बाहर दोष बहुत कम दिखेंगे, अपने भीतर में ही दिखेंगे। और जितना जितना वो अपनी दृष्टि को मांझता चला जाएगा उतनी ही उतनी उसके हृदय में सुख और शांति की गंगा बहती चली जाएगी। क्यों? कि वो दुख तो अपने ही कर्मों के आधार से मिल रहा था और वो बात हमारी पकड़ में आ गई। किसी एक विद्वान ने कहा है के सब के गुण अपनिया हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूँ तुम झलकियां देखा करो, सब के गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, जिंदगी में हूँ तुम झलकियां देखा करो। अगर तुम किसी दूसरे में, अपने भाई में, अपने परिवार में, अपने माता पिता में अगर दोष देखोगे तो वो उनका दोष तुम पर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जैसे तुम्हारे मित्र ने कभी झूठ बोली किसी बात पर और झूठ बोल दी और फिर कोई समस्या तुम्हारे सामने आ गई तो तुम भी झूठ बोल जाओगे, अरे यार मारा मित्र तो बोल ले, तो मेरे अंदर में कोई अवगुण है और आपने देख लिया तो निश्चित रूप से वो अवगुण आप पर आ जाएगा। आप देखो ये महात्मा है, गुरु है, जब जीव ऐसा कर लेते तो हमारी कर लेते, अरे गुरु कर लेते तो मैं कर लेता हूँ।
सज्जनों, और वास्तव नहीं तुम समझ रहे हो कि ये अवगुण है और अपने में देख रहे हैं, तो तुमने अगर अपने आप में देख लिया तो फिर तुम उसका त्याग करते हुए, और जब तुमने एक अपने अवगुण को उठा दिया तो उसी जगह पर तुम्हारे भीतर में एक सद्गुण आ जाएगा। तुमने झूठ को उठा दिया तो सत्य प्रकट हो गया। सत्य कहाँ दबा हुआ था? कोई बाहर से नहीं था, हमारे काशी और हरिद्वार में नहीं था। वो सत्य कहाँ था? वो हमारे भीतर में था। पर वो दबा क्यों था? वो झूठ से दबा हुआ था, और जब झूठ को तुमने त्याग दिया तो वह सत्य प्रकट हो गया। अरे भैया, वास्तव में वो तो आदमी बहुत बढ़िया है, हमेशा सत्य बोलता है। तुम्हारे अंदर में शील और करुणा थी, लेकिन वो शील और करुणा कैसे दबी? वो क्रोध से दबी थी तुम्हारे से। इसलिए मेरे बहन भाइयों, एक एक अवगुण को हम हटाते चले जाएंगे तो हमारे भीतर में एक एक सद्गुण प्रकट होता चला जाएगा। एक अवगुण हट गए, जैसे कौ कुठैया में 10 गुंडा बैठे हों और भाई चांस को ऐसी तक बैठ जाए मालिक की, एक निकात दो आने तो एक को बढ़िया आदमी बाकी ढिंगाए, फिर धीरे धीरे बाकी सही आते मुँह को लग गए हो तई दूसरों को निकात दो, तई वो दूसरों आ गया, दूसरा भी बढ़िया आदमी आ गया। और कर्राई कब तक रहेगी, कठिनाई कब तक रहेगी? तब तलक पांच नहीं निकट जाएंगे। अब दसन में तो पांच निकात दे और पांच बढ़िया आदमी बागे साथ में आए गए, अब बाकी हिम्मत और बढ़ गई, अब देखूंगा। हाँ, फिर दूसरे में दे दो रह पटे थे पुण्य करेगा, फिर और एक बढ़ेगा, फिर तीसरे में तो एक आध रह गए तो मारे पीटो बेउ निकात दे, अब बने गए पूरा। अब अपने भीतर में पूरा का पूरा सद्गुणों का स्वराज्य हो गया, सारे के सारे दुर्गुण आपने निकाल दिए। कब? जब आपने देखना शुरू कर दिया तब। उसका बोध कहाँ से हुआ? उसका बोध सत्संग से हुआ। आप सत्संग में नहीं आते तो आपको पता ही नहीं लगता था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हमेशा 10 मिनट बैठ करके देखो अपने भीतर। संत महात्माओं ने कैसी कैसी प्रक्रिया बताई है देखने के लिए कि तुम्हारे भीतर में तुम देखोगे तो तुमको आवाज सुनाई देगी अपने भीतर में, जिसको कहते शब्द की ध्वनि। तुम सुनो, कहीं कान में उंगली लगा करके सुनो तो जैसे बिजली की लट्ठा में झनकार होती है, वो झनकार तुम्हारे कानों में सुनने के लिए मिलेगी। पर एक बात मैं और बताऊं, उसको खूंटा मत बना लेना, उसमें बंद मत जाना, क्योंकि वो झनकार जो तुम सुन रहे हो वो तुम झनकार नहीं हो। झनकार वो अलग है और तुम अलग हो। तुम सुनने वाले हो, इसलिए वो झनकार तुम्हारी साधना के स्तर पर बाहर से भीतर आने के लिए तो ठीक थी, लेकिन तुम अगर बाई की जेट भर के बैठ गए तो समझ लो कि तुमने किसी चीज को, बाहर की चीज को छोड़ करके और भीतर की चीज को पकड़ लिया, तो तुम फिर बैठे रह जाओगे। तुमने कोई प्रकाश देखा अपने भीतर में, बहुत अच्छी बात है देखने के लिए प्रकाश। जहाँ ये आज्ञा चक्र है हमारा, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी चेतना ऊपर की ओर छलांग मारती है, तो यहाँ से कोई चिनगारी निकलेगी, सफेद लाल पीली। कहीं कहीं तो कोई लोग कहते हैं कि वो परमात्मा का दर्शन है, पर नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि जो चिनगारी है वो कल कुछ और थी और आज कुछ और है, और कभी दिखी दिखी कभी नहीं दिखी। इसलिए वो चिनगारी सत्य नहीं है, तुम सत्य हो। तुम कल भी वो ही देखने वाले थे, परसों भी तुम वो ही देखने वाले थे, और आज भी तुम वो ही देखने वाले हो।
कल भी तुम शब्द को सुन रहे थे, परसों भी सुन रहे थे और आज भी सुन रहे हैं। इसलिए वो शब्द सही नहीं था, तुम सही थे। वो प्रकाश सही नहीं था, तुम सही थे। तुम्हारे भीतर में कोई और चीज़ तुमको बढ़िया दिखी। जैसे महात्मा लोग बताते हैं कि ये हमारा जो मस्तक है ये अमृत से भरा हुआ है, और बताते हैं कि योगी लोग पहले अपने तालू में जीभ लगा करके और जो साधना करते तो वो अमृत झरता। पर अमृत कोई रासायनिक क्रिया नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी ने तो कहा है कि अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, कहें कबीर कामो नहीं जीवे मरण न होए। अरे जो मरता नहीं है सो अमृत है, और मरता क्या नहीं है, वो आत्मा है, वो चेतना है, वो कभी मरती नहीं है, उसको अमृत कहते हैं। जो झर रहा था वो अमृत नहीं था। लोग कहते हैं पहले अमृत था, शेषनाग के पास हमें अमृत था। कई लोग कहते हैं कि अमृत चंद्रमा में है, कई लोग कहते हैं कि अमृत बच्चा के कंठ में होता है। पर ये ध्यान रखो, अगर बच्चा के कंठ में अमृत होता तो बच्चा जन्म और मृत्यु के चक्कर से पार हो जाता। अगर अमृत चंद्रमा में होता तो सज्जनों वास्तव में ही फिर वो अमृत झरता तो बहुत लोग पी लेते। अगर अमृत शेषनाग के पास में होता तो आज बहुत लोग हमें मिल जाते कि 4000 वर्ष पहले इन्होंने अमृत पान किया था और देखो आज भी ये लोग जिंदे हैं। अरे मरे सो मृतक और जीवे सो अमृत, जो जीवे सो अमृत है। तो जो हमारी चेतना है वही अमृत है। हाँ, एक हमारे मस्तक में एक अमृत रासायनिक ये कुंडा है, जिसमें हम भोजन पाते हैं उसका रस बन करके और वहाँ इकट्ठा होता है और उसी रस में से फिर रक्त बनता है, उसी रक्त में से फिर मांस बनता है, मांस में से मैदा, मैदा में से हड्डी, हड्डी में से मज्जा और मज्जा में से शुक्र, सातवीं पीढ़ी स्टेज पर जा करके बनता है। बताते हैं जो आज हमने भोजन पाया है उसका 40वें दिन जा करके और वो रज और वीर्य के रूप में परिवर्तित होता है, सारी स्टेजों से गुजरता हुआ। जो हमारा शरीर है ये सप्त धातुओं का शरीर बोलते हैं, ये सप्त धातु है, इसमें रस, रक्त, मांस, मैद, हड्डी, मज्जा और शुक्र, क्या हो गए, ये सात हो गए, ये सप्त धातु का ये शरीर है। तो आज जो हमने भोजन पाया है वो सातवें दिन जाकर, वो 40वें दिन जाकर के और वो रज और वीर्य में परिवर्तित होता है, वो एक शरीर की शक्ति है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा विशेष संयम की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। जो भाई बहन जो गृहस्थी जीवन जीते हैं उनको भी अपने संयम के साथ अपना जीवन जीना चाहिए, एक भोग की दृष्टि से नहीं। जो लोग भोगी होते हैं वो हमेशा रोगी भी बने रहते हैं। जो संयम के साथ एक सृष्टि संचालन के लिए हम एक दो संतान को जन्म देते हैं और फिर अपना हम संयम करके साधना करके और हम अपने मन और इंद्रियों को अनुशासन में लेकर के और एक उत्कृष्ट जीवन जीते हैं। तो बताते हैं कि जो जीव है फिर सातवीं चीज है जी, इसको अमृत कहा है। अमृत क्यों कहा है कि ये शरीर का औज है, ये सुंदरता ही शरीर पर है वो उसी की है, शरीर में जो चिकनापन है वो उसी का है। जैसे शरीर में बात पित्त कप हम तीन बोलते हैं तो कप उसी का हिस्सा है, सुंदरता ही है, सौंदर्य है, वो सब उसी की देन है। पर वो ऐसा अमृत नहीं है कि भाई कोई योगी पी के और अमर रह जाए, ऐसा नहीं है। ये तो कोई कल्पना हो सकती है, बेटा बैठ जाओ, ये कल्पना हो सकती है। तो मैंने निवेदन किया कि हम अगर कहीं कोई बाजा सुन रहे हैं बाहर की धुनी को छोड़ करके भीतर, तो सुनिए बढ़िया,
लेकिन और आगे चले जाइए। कोई रूप देख रहे हैं, वो रूप तुम नहीं हो, उस रूप से भी और आगे चले जाइए। कोई तुम रसायन पान कर रहे हो तो वहीं पर मत अटक जाइए, और आगे चले जाइए। और चलते चलते और जहाँ कुछ भी नहीं बचे, जब तुम ध्यान की मुद्रा में हो गए, बिल्कुल अब कुछ नहीं बचा है, न कोई शब्द है, न कोई रूप है, न कोई रस है, न कोई गंध है, न कोई दुर्गंध है, न कोई गुरु है, पर अपने आप में अब मस्त हो गए। थोड़ी देर के लिए अगर ये झलक मिली, कबीर जी ने कहा है कि तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, और कहें कबीर ता क्षण के कोट कल्प सम, वो एक क्षण वो कल्पों की बराबर होता है। तन थिर शरीर शांत है बिल्कुल, और मन थिर मन भी शांत है बिल्कुल, और वाणी शांत, और सुनना सुनने की वृत्ति शांत। कोई दुनिया जा रही है पर कोई लेना देना नहीं है। नेत्र आपके झपक गए बंद, अब आपका ध्यान भीतर में, अब आप जुड़ गए। अब जुड़ गए तो समझोगे अब तुम्हारे भीतर में और कुछ नहीं है, अब तुम हो। ऐसी स्थिति अगर आ जाए थोड़ी देर के लिए, तो समझ लो आपने गहरी सत्संग की डुबकी लगाई। अब तुम भीतर के सत्संग में डूब गए, ये तो फिर भी बाहर का सत्संग था, अब वो भीतर के सत्संग में डूब गए। सत का मतलब है जो सत है, जो तीनों कालों में सदैव सत रहता है, वो न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है, न कभी बिगड़ता है, न कभी किसी ने बनाया है, और न कभी कोई उसको बिगाड़ सकेगा। उसको सत कहते हैं, वो सत्य ही अमृत है। वो सत्य के आधार से जो धर्म है, शक्ति है, ज्ञान है, दया है, क्षमा है, संतोष है, ये सारी की सारी चीज़ें उसी सत्य से जुड़ी हुई हैं। जितने जितने हम भीतर जाएंगे, उतना ही भीतर का वो कपाट खुलता चला जाएगा, और ये सारी की सारी चीज़ें प्रकट होती चली जाएंगी तुम्हारे भीतर, और सारी की सारी चीज़ों का तुम्हारे भीतर में उद्भव होगा। फिर ये दया कहाँ से इतनी आ गई सज्जनों? ये कर्मठता होती है, सेवा भाव होता है। हमारे यहाँ दो चार पांच चाचे माताएं इतनी कर्मठ हैं जहाँ सेवा करने के लिए कि हम भी दंग रह जाते हैं। कभी कभी देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वास्तव में जब इस तरीका से हमारा मन सेवा में, अरे हम अपने लिए तो रोज करते हैं, और कभी समय आ जाए तो हम कभी कभी दूसरे के लिए भी करते हैं। हम रामायण पढ़ते हैं, राम जी गुरु जी के कारण आश्रम पर गए थे, और उन्होंने राक्षसों का वध किया था, और हमको चेला थे, कह रहे भैया एक दो दिन आगो हमारे जहाँ काम में आ जाइए, भैया देख लें महाराज लाभ समय निकल आवेगो। तो सज्जनों वास्तव में ही जिनके अंदर में जो श्रद्धा होती है विशेष, जो वास्तव में जिस चीज़ के प्यासे होते हैं, फिर वो और सारे काम को गौर समझ लेते हैं, और इस काम को उत्तम समझ लेते हैं। हाँ चलो भैया अपने लिए तो हम रोज काम करते हैं, पर कहीं आए पड़े सेवा का काम, चाहे वो भले ही अपने मित्र के यहाँ हो, चाहे भले ही कोई रिश्तेदार के यहाँ हो, चाहे भले ही आम आदमी के यहाँ हो, चाहे फिर गुरु आश्रम तो गुरु आश्रम ही होते हैं, संत सभा तो संत सभा ही होती है। तो कहीं पर अगर इस तरीका से हम जुड़ जाते हैं सज्जनों, सेवा में जुट जाते हैं, तो समझ लो आपका मन निर्मल होता है, पवित्र होता है, सुन करके भी पवित्र होता है, और सेवा करने से भी पवित्र होता है, अच्छे संत महापुरुषों का दर्शन करने से भी मन पवित्र होता है। तो सभी भाई बहनों को इस तरीका से हमेशा सत्संग में आना चाहिए, और हमेशा सेवा में भाव लेना चाहिए, संतों की बातों को ठीक तरीका से समझ लेना चाहिए, अपने भीतर की कमजोरियों को निकाल निकाल करके फेंक देना चाहिए, और अपने वास्तविकता सत्य का साक्षात करना कार्य करना चाहिए। हमेशा सदैव गलत कामों से डरना चाहिए। आदमी से मत डरिए, किसी काल से भी मत डरिए। डरना है तो सिर्फ कि हमसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि जिससे हमारी समाज में आँख हमारी नीचे को जाए। बस रात को सोवो तो ऐसे सोवो
कि दिन में हम मुंह उठा करके जगे, दिन में मेहनत काम करो, ऐसा करो कि रात में बढ़िया नींद आए अच्छी, दिन में कोई ऐसा काम न हो जाए कि जिससे सारी रात करवट बदनते हो जाए और नींद ही नहीं आए। रात में कोई ऐसा काम न करना जो कि सवेरे मुंह छुपा करके और भागना पड़े। तो मेरे भाई बहनों, सभी यहाँ आज सत्संग को समापन क्यों ले चलते हैं, जब जब मौका लगे जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कह करने मौका ये गमाओ।